सबों में एक प्रोफेसर है जो मोरालिटी की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व वो एक ऐसे दल के करते हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की नई कीर्तिमान स्थापित की। इस I.N.D.I.A. समूह में एक ऐसी समूह की नेत्री है जिस समूह की नेत्री सोचती है कि कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना सबसे बड़ी भूल है, ये इनका असली चरित्र है। मुझे लगता है आप बहाना ढूंढ रहे हैं बाहर जाने का, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। कार्यकर्ता ने आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया, उसका उत्तर सुनिए आप। ये बिल्कुल मर्यादाहीन व्यवहार करना, उसके बाद वॉकआउट करना, ये लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है। नो, बिल्कुल गलत बात है ये। आपका इस प्रकार से बहाना लेकर के बाहर जाना, ये बिल्कुल संसदीय व्यवस्था का अपमान है। ये बात कृपा करके नोट करिए आप लोग, प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज। सभापति महोदय, देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है, अब सदन से भी स्वयं बाहर जा रहे हैं। इन्हें तो सभापति महोदय अपने अविश्वास प्रस्ताव पे स्वयं ही विश्वास नहीं है। मत हो, जो देश की जनता ने परिणाम दिया है वो स्वीकार करो। अब सभापति महोदय, इनके जो एक समूह है I.N.D.I.A. घमंडिया समूह, उस समय में समूह में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने स्वयं यूपीए सरकार पर 2G और कोल स्कैम का PIL लगवाया, और आज कांग्रेस का हाथ आपके साथ। ये स्थिति अंदर की बात, और वही स्थिति सभापति महोदय हमारे TMC के साथी यहां बैठे हुए थे, जिस TMC के बारे में अधीरदा रोज इस सदन में लपक लपक कर भ्रष्टाचार की बात करते थे, चिटफंड की बात करते थे, अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की कत्लों की बात कर रहे थे, आज वही कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दल हाथ में हाथ उस TMC के साथ मिला रहे हैं। सभापति महोदय, तो ये इनकी असलियत है। और जो मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कि अगर इन लोगों को अपने गठबंधन में एक दूसरे के विरोधी होकर भी सत्ता के लालच के साथ पूरे तरीके से कुनबे की तरह साथ में आ रहे हैं,